नमस्कार दोस्तों, फुटबॉल होम्स के इस प्लेटफॉर्म में पुनः स्वागत है आपका। और रीजनिंग के सेक्शन में आज हम जो हमने पिछली वीडियो में बोला था कि डिफरेंस है ना, यानी भिन्नता जो चैप्टर है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 से लेकर 2022 तक, जितने भी एलएससी ने एग्ज़ाम कराए हैं, ठीक है, जिसमें रीजनिंग आई हुई है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। और आज एक चीज़ ये शुरू कर रहे हैं हम लोग, अभी तक जो हम लोग 20 क्वेश्चन ले रहे थे एक वीडियो में, तो अब समय कम बचा है अपने पास, तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन का संख्या बढ़ा देंगे ताकि जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो आज जो मैं पहला चैप्टर है, और हाँ, इसमें कुछ वैसा कंसेप्ट की बात नहीं है, इसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग सीरीज है ना, ये रिलेशन वगैरह और जो अदर सब्जेक्ट के नॉलेज हैं आपके, सब इंक्लूड होंगे, सब काम आएंगे। ठीक है, तो इसको बेहतर इसी तरह से किया जा सकता है कि आप इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करें। और यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आपकी रेंज में होंगे, आपके सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे रेंज से बाहर होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आते हैं, शुरू करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन बोलता है कि विषम चुनना है इसमें। ठीक है, अब देखिए, 3, 13, 17, 23, 33, 67, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन क्या दिख रहा है कि 3 के पास 13 आ गया। डिफरेंस तो मत निकालिएगा, ठीक है, अगर निकाल के देखते भी हैं तो बनेगा नहीं उससे। ठीक है, डिफरेंस 3 से 13 हो गया, 13 से 17 हो गया, मतलब 17 क्यों आया? देखिए, 13, 17, 23 ये किसी से विभाज्य होते हैं? नहीं होते हैं विभाज्य। मतलब क्या है लॉजिक यहाँ पर, ये सब विभाज्य हैं सिवाय 33 छोड़ के, 11 3 33। ठीक है, तो ये 33 से 11 से कट जाता है, इसलिए विभाज्य हो गया, बाकी सब अविभाज्य है, अविभाज्य है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये विषम हो गया। ठीक है, इसी लॉजिक पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, असंगत को अलग करना है। देखिए, ये क्या है, 2 2 का क्यूब हो गया है ना, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कुछ लफड़ा ना, देखिए, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 6 का क्यूब हो गया, ये 7 का क्यूब हो गया, मतलब ऑड कौन हो गया, असंगत कौन हो गया, 10 वाला। ठीक है, तो 100 अपना असंगत हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये देखिए, इससे क्या लग रहा है, कुछ तो कॉमन है। ठीक है, अब देखिए, ये मतलब 5 के स्क्वायर है, मतलब 5 वाली संख्या के लास्ट में इसके 5 है, उसके स्क्वायर हैं ये लोग। अब स्क्वायर कैसे निकालते थे कि ये है, तो ये 35 का होगा, क्यों? क्योंकि 3 गुणे 4 यानी 12 और 5 25, 25 5 का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं ना स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए, तो अब ये जैसे मान लीजिए 42 25 वाला, तो 6 गुणे 7, 6 7 42, यानी 6 और यहाँ 5 आ जाएगा, 5 25, 42 25 हो जाएगा। और जब 42 25 65 का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर तो होगा नहीं, है ना, ये 30 25 देख लीजिए, 5 गुणे 6, उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दीजिए और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 6 30, और 30 और 5 तो होगा 25। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये अपना सी वाला जो है, ये जो है अपना असंगत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ देखिए, सिंपल सिंपल 701 101 301 401 दे रखा है। इसमें क्या किया गया है, इनको जोड़िए, 7 1 8 3 1 4 1 1 2 4 1 5। अब इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है कि बाकी सब सम है सिवाय इसके, बाकी सब सम संख्याएं हैं सिवाय इसके, तो ये क्या हो गया अपना, विषम हो गया, असंगत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऐसे ही है क्वेश्चन, सिंपल सिंपल, ठीक है, फटाफट करेंगे हम। विषम को चुनना है, फिर वही चीज, अब देखिए, ये 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 11 का क्यूब, तो ये जो है अपना, ये अपना क्यूब नहीं होता है। ठीक, अगर यहीं पर ये 1728 होता तब ये 12 का क्यूब होता, लेकिन 1726 दे दिया है तो ये क्यूब नहीं है, इसलिए ये संगत हो जाएगा, विषम हो जाएगा अपना। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 जोड़े के शब्द समान तरह से संबंधित हैं और 1 जोड़े से शब्द अलग हैं, तो उस जोड़े का पता लगाएं जो अलग तरह से संबंधित है। अब प्रैक्टिस करते करते ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको, है ना, समझ जाते होंगे आप। जैसे चाय कॉफी समान चीजें हैं दोनों, पेंसिल पेन इस्तेमाल सेम है, साइकिल स्कूटर इस्तेमाल सेम है, शर्ट दर्जी शर्ट को दर्जी सिलता है, स्कूटर को साइकिल नहीं सिलती है, पेन को पेंसिल नहीं सिलता है, कॉफी को चाय नहीं सिलता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा क्योंकि ये भिन्न है, बाकी से मेल नहीं खा रहा है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें विषम को चुनना है। पहला क्या दे रखा है, बंद गोभी, आम, सेब, केला, सिंपल सा है ये सब, बाकी सब फल है, ये सब्जी है। ठीक है, ए वाला जो है ये सब्जी है, बंद गोभी, पत्ता गोभी जो बोलते हैं आप लोग, हाँ, कैबेज। चलिए अगला देखिए,
कौन सा एक अन्य अन्यों के साथ संबंधित नहीं है? हाथी, काउगर, सिंह, तेंदुआ। काउगर जिसको समझा रहा हूँ, गूगल कर लेना भाई आप लोग, है ना। तो देखिए बाकी सब ये क्या है, मांसाहारी है सिवाय हाथी के। हाथी क्या है, शाकाहारी है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर। उस शब्द का चयन करना है जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, सिंपल सा है। धर्म संगिनी, शूरवीर, मुनि, पादरी। तो देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों धर्म से संबंधित है, लेकिन शूरवीर युद्ध से संबंधित है। ठीक है चलिए, या साहब से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही चीज फिर, बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, वही चयन करना है। दही, मक्खन, तेल, पनीर, बाकी सब दूध के आइटम है, ये तेल अलग है। ठीक है तो सी सही हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल। ठीक है चलिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए इसमें ये बताना है कि किस ऑप्शन में पैटर्न सही नहीं बैठ रहा है, जो बाकी सब में पैटर्न है। ठीक है इसमें देखिए, इसमें क्या पैटर्न बैठाया है, 9 गुणे 2 कर दिया है प्लस 24 कर दिया है। ठीक है, 9 दुनी 18 प्लस 24, 8 4 12 2, 2 1 3 1 4 42 आ गया। ये देखिए ऐसे इसमें देखिए, 8 गुणे 2 प्लस 17 यानी 16 प्लस 17, 7 6 13 3, 1 1 2 1 3 यानी यहाँ पर 31 है, 33 होना चाहिए था, ये गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया आपका। ये बाकी मिला सकते हैं आप ऐसे, 6 दुनी 12 2, 12 और 24, 12 24 36 ही होता है, 11 दुनी 22, 22 23 45 होता है। ठीक है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब इसके हिसाब से संगत है वो। नेक्स्ट आइए, इन चार विकल्पों में से तीन किसी प्रकार वही चीज, संगत को पता, संगत पता करना है हमें। ठीक है अब इसमें देखिए क्या किया है, उसमें अलग पैटर्न था, इसमें अलग पैटर्न, और ये चीजें तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह क्वेश्चन कई सारे लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब, एक आध बार ट्राई करने पर कि ये लग रहा है क्या, ये लग रहा है क्या, ये लग रहा है क्या, तो आ जाएगा। ठीक है अब ये क्या है, 1 का स्क्वायर कर दिया है प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का 16 इक्वल टू 17, इधर 4 प्लस 9, 9 4 13, इधर क्या 4 6 16 प्लस 25, 6 5 11 कहाँ से लगी, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 34 41 होना चाहिए था, 1 प्लस 25 यहाँ 26 हो गया, यानी सी विल बी राइट आंसर, यही असंगत है। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इन चार अक्षर समूहों में से किसी तीन वही चीज असंगत है, बाकी को पहचानना है आपको। देखिए अब सी एच यहाँ पर देखिए क्या किया है, यहाँ पर देखिए जैसे सी एच एस एक्स, ये अच्छा सवाल है ना, इसमें क्या किया सोचना पड़ेगा इसे, मतलब देखिए 3 पर है, एक्स कितने पर है 24 पर, ठीक है एच कितने पर है 8 पर, एस कितने पर है 19 पर। देखिए कलर चेंज करके बताता हूँ मैं, 1 मिनट, तो ये इसको इसको ऐड कर लिया है और इसको इसको ऐड कर लिया है, इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 27, 24 3 27 और 19 8 27, 27 27 आ रहा है ना। ठीक है ऐसे देखिए आई के पी आर में, देखिए आई के पी आर, आई कितने पर है 9 पर, आर कितने पर 18 पर, 18 9 27, ठीक है भाई अभी देखा था हमने, के 11 पर है, पी 16 पर है, ये भी 27 हो जाएगा, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब संगत है ये दोनों आपस में। डी जे डी जे क्यू डब्ल्यू, डी कितने पर 4 पर, डब्ल्यू कितने पर 23 पर, ठीक है 24 से 27, ये भी सही है, जे 10 पर, ये 17 पर, ये भी सही है, ये भी सही है। अब डी बचा तो डी असंगत हो जाएगा, देख लीजिए चेक भी कर लीजिए भाई, डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। ए एफ डब्ल्यू जेड, ए कितने पर 1 पर, ये 26 पर, 26 से 27 हो गया भाई, ठीक है एफ कितने पर 6 पर, डब्ल्यू 23 पर, 26 23 6 29 हो जाएगा, ये 27 नहीं होगा। ठीक है तो यहीं इसलिए गलत हो गया ये, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, असंगत जो पूछा गया है। ठीक अगला देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, 5 रंग दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी एक तरह के जैसे हैं बाकी अलग है। तो देखिए इसमें भी विज्ञोर वाला कंसेप्ट पूछता है इसमें हर बार, नीला, हरा नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला। देखिए जानते हैं आप गुलाबी जो है विज्ञोर में नहीं आता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 जो है अलग है, 1 विमेल को पता करना है हमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी, जियोलॉजी, ठीक है भौतिक, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, ये साइंस से संबंधित है। ये क्या है, ये मतलब फिजिकल लैंडफॉर्म से संबंधित है, अलग सब्जेक्ट है ना, एक तरह से ह्यूमैनिटी में आ जाता है एक तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 शब्द दिए गए हैं जिसमें 4 वही अलग भिन्न पता करना है, कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा, नौका। देखिए ये सब नाव के प्रकार है, ये जो कैनो, डोंगी, बेड़ा, नौका, ये सब नाव के प्रकार है, हिमकुटी समझ रहे हैं अलग है झोपड़ी टाइप का, हिमकुटी हिमालय में कुटी बना हुआ, ठीक है तो वो असंगत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इग्लू। इग्लू जानते ही होंगे अब तो, समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी आपका ज्योग्राफी का नॉलेज काम आएगा, जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है मतलब डिटेल में, इन द सेंस लैंडफॉर्म जिसने पढ़े हैं, है ना, भूस्थल रूप जितने पढ़े हैं,
उनको उनको ये सवाल आ जाएगा क्यों, ये क्लिफ्स, लेपीज, स्टेलेक्टाइट्स, सिंक होल, स्टेलेगमाइट्स, स्टेलेगमाइट्स, ठीक है। तो स्टेलेगमाइट्स नहीं, इसमें स्टेलेक्टाइट इसमें सही है, क्यों, क्योंकि इस देखिए बाकी सब क्या है, नीचे से इनके लैंडफॉर्म जुड़े होते हैं, और स्टेलेक्टाइट का क्या है, ये ऊपर से जुड़ा होता है। मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर आप देखेंगे गुफा में, वहाँ पर जब पानी गिर रहा होता है लगातार, है ना, तो वहाँ पर ये गिरते 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 ये ऐसे निशान, ऐसे मतलब शेप बन जाता है, और यहाँ से नीचे से ही बन जाता है, उसको स्टेलेक्टाइट और इसके स्टेलेगमाइट, ठीक है। और यहाँ से आप मान लीजिए जा रहे हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांच शब्द दिए गए हैं, वही अलग निकालना है, अर्धविराम, अर्धव्रत, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार और सेमी स्टोन, अर्धस्वर, ठीक है। इसमें मतलब इसका डिफरेंस ये है, सेमिनार क्यों, क्योंकि बाकी सबका मतलब आधा आधा है, ठीक है, और सेमिनार का मतलब आधा नहीं होता है भाई, सीधी सी बात है। अगला देखिए, अब इस श्रृंखला में मतलब पता करना है आपको, ठीक है, 720 दे रखा है, 120 दे रखा है, कैसे आएगा इसके बाद, ये भागा 6 कर दीजिए, 12 6 72, ठीक है, ये 24 दे रखा है, ये कैसे आएगा, भागा 5 कर दीजिए, है ना, 24 5 120, ये क्या आएगा, 6 से भाग दिया जा रहा है, 5 से दिया जा रहा है, यहाँ कितने दिया जाएगा, 4 से, तो 6 4 24, यहाँ 6 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर 8 है, तो क्या आ जाएगा संगत आपका, बी। आगे भी देख सकते हैं, यहाँ 6 है, अब देखिए 4 से दिया गया था भाग, तब 3 से देंगे, 3 2 6 यानी 2 आ गया, अब 3 से दिए थे 2 से देंगे, 2 1 2 1 आ गया, ठीक है। चलिए तो 8 आपका असंगत हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे 5 शब्द दिए गए हैं, वही चीज अलग करना है, उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड, तो क्या हो जाएगा, उपग्रह, क्योंकि ये हम लोग सैटेलाइट अलग से कृत्रिम रूप से भेजते हैं, बाकी नेचुरल चीजें ब्रह्मांड में, मतलब यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में पहले से बनी हुई है, ठीक है। अगला देखिए, जिनमें से ये 5 शब्द दिए गए, जिनमें 4 सेम है, 1 भिन्न है, नेवला, उद्बिलाव, नेवला, उद्बिलाव, शाही, चूहा, गिनीपिग। अब देखिए ये सब क्या है, कृदंक, मतलब ये जिनके नहीं होता वैसे कृदंक, कृदंक होते हैं, एक होता है जैसे जो काटते जाता है ना, उस तरह के हैं ये, कुतरते हैं, जो कुतरते हैं, कुतरने वाले हैं ये, ठीक है, लेकिन नेवला ऐसा नहीं है, इसलिए नेवला अलग हो जाएगा, मैंगूज, मोंगूज, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 22 नंबर, वही चीज, 5 दिए हुए हैं तो एक अलग निकालना है, डॉलर, टॉर्टेस, दिरहम, लेम्पिरा, टका। तो ये देखिए ये सब जो क्या है, ये करेंसी के नाम है, ठीक है, लेकिन कोर्टेस किसी के संसद को बोला जाता है, संसद का नाम है ये, संसद भवन का नाम है, ठीक है। या असेंबली का नाम बोल सकते हैं हम। अगला देखिए, मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, हाइपर मेट्रोपिया, ट्रेकोमा। यहाँ देखिए बायोलॉजी का भी नॉलेज यहाँ काम आएगा, यहाँ हम डिजीज पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है, वहां का नॉलेज काम आया ना यहाँ पर, देखिए वही चीज मैं बता रहा था स्टार्टिंग में। अब देखिए, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोपिया, ट्रेकोमा, ये सब आँख से आँख में होने वाली बीमारियां हैं। कोशिका प्रदाह ये कहाँ पर है, ये कोशिका में होने वाली बीमारी है, ठीक है, तो डी आपका अलग हो जाएगा इससे। अगला देखिए, फिर वही चीज, 5 शब्द दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर एक क्या ट्रिक खेला है ये, यहाँ पर ये कान दे रखा है, टांग दे रखा है, हृदय दे रखा है, वृक्क दे रखा है और हाथ दे रखा है। मतलब इसमें क्या है, 3 चीजें बाहर की बॉडी के पार्ट है और 2 चीजें बॉडी के अंदर के पार्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, टांग, कान, हाथ और हृदय, 3 ऑप्शन दे रखा है बॉडी के बाहर वाले पार्ट का और 1 ऑप्शन दे रखा है बॉडी के अंदर वाले पार्ट का, इसलिए हमें ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन देखकर घबरा नहीं जाना है इसमें, ठीक है, तो हर्ट हो जाएगा अपना आंसर, क्यों, क्योंकि ये बॉडी के अंदर का पार्ट है, तो ये भिन्न हो गया, ठीक। अगला देखिए, अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 18 22 44 48 52 यही मिल जाएगा हमें, खैर 100, ठीक है। देखिए यहाँ क्या किया है, +4 × 2 है ना, +4 × 2 होना चाहिए था, तो कितना आता, 8 × 2 16 86 लगी है, और 4 × 2 8 1 9 96 आना चाहिए था, +4 होता तो 100 हो जाता, यानी ये 52 गलत है अपना, तो क्या हो जाएगा, 52 यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो सीक्वेंस जो सीरीज में नहीं बैठ रहा है वो गलत हो गया भाई साहब, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आकारों के नाम दे रखे हैं, तो उसमें बताना है कि भिन्न कौन सा, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज। अब यहाँ पर तुरंत वो नहीं करना है कि वर्ग, समचतुर्भुज, मतलब ये 4 भुजाएं हैं, इसमें त्रिभुज 3 होंगी, यही त्रिभुज मारते सीधे, पढ़िए पूरा आगे पहले, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज, षटकोण, सब क्या है, 2 डायमेंशनल है, 2D वाले फिगर है, लेकिन गोला यानी स्फेयर जो क्या है, ये 3D का
थ्री का मतलब आकार है ये, ठीक है, इसलिए स्फेयर होगा आंसर इसका बी। एग्जाम में जल्दी बात ही नहीं होता, जब सरल क्वेश्चन आता है ना, सरल प्रश्न, तो यही होता है एग्जाम में, लेकिन हमें इससे बचना है क्योंकि हम पहले प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। चलिए अगला देखिए, वही चीज, रॉम्बस, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेलोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ठीक है, तो इसमें क्या है। अब देखिए, अब मैं बाकी सब में चार चार हैं, मतलब बुझाएं, इसमें सिर्फ तीन बुझाएं हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये चीज लागू हो जाएगी, 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नाम समूह में असंगत को पहचानना है, अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी। बस घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछेगा, सलाद पत्ता वाला नहीं, पत्ता गोभी, कैबेज जो आपने देखा था, मतलब लेट्टू सही है, सलाद पत्ता अलग होता है, कैबेज अलग होता है, ठीक है, वो पत्ता गोभी था, सलाद पत्ता अलग से आता होगा, मुझे पता नहीं था ये चीज, ठीक है, लेट्टू, सलाद पत्ता को लेट्टूस बोलते हैं, ये अलग ही है। चलिए ये सब्जी में आता है, सब्जी क्या सलाद में आया, लिखा था वहाँ, निम्नलिखित असंगत को पद का चयन करना है। अब देखिए, डी वी डब्ल्यू ज़्यादा स्पेशल बन गया है, डी चार, ये कितने पर है, 23 पर। अच्छा, हाँ देख लीजिए आप, समझ गए, बिल्कुल डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर क्या किया, इन दोनों का अपोजिट पेयर बनाया है, इन दोनों का, ठीक है। अब देखिए इसका भी बना हुआ है, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बन गया, जी का टी बन गया, GST से याद रखिएगा, जे का क्यू बन गया, लेकिन एम का के नहीं है, एम का क्या है, एन है, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका असंगत हो गया। चलिए वेरी गुड, कोडिंग डिकोडिंग आ गया ना यहाँ पर, लग गया कोडिंग डिकोडिंग, बोला था मैंने स्टार्टिंग में। चलिए अब यहाँ देखिए, अनसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार करना, उपेक्षा, अनदेखी, बाकी सबका क्या है, मतलब एक तरह से इग्नोर करने वाली बातें हैं, लेकिन पहचानना यहाँ पर क्या है, रिकग्नाइज, इसका देखिए इंग्लिश देखेंगे आप तो वहाँ से अच्छे से पता कर लेंगे आप, बाकी सब में क्या है, एक तरह से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिकग्नाइज वाला ये अलग हो गया है ना, पहचानने की बात कर लिया यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए सूची में अलग ढूंढना है, अब देखिए यहाँ पर जियोग्राफी का आएगा, मैपिंग वाला काम आएगा, कैसे, यहाँ पर ये सब शहर जो हैं, इसमें से सारे शहर मतलब कई सारे, मतलब एक को छोड़ के बाकी सब शहर एक राज्य से हैं, और एक शहर जो है वो किसी अन्य राज्य से, जो अलग होगा यहाँ पर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, पुष्कर, ये सब कहाँ के हैं, पधारो हमारे देश, ठीक है, और ये सब कहाँ के हैं, MP के, छतरपुर कहाँ का है, MP का, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए, देखिए भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन ये मैनमेड डिजास्टर है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका संगत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर, फिर वही चीज है ना, देखिए नारंगी, बैगनी, लाल, हरा, नीला, पीला, सब विब्योर में है, भूरा नहीं आता है, सिंपल, तो वहाँ पिंक नहीं आता है, भूरा नहीं आएगा, कलर वाला विब्योर पे ही पूछ रहा है बार बार, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, औसत, परिसर, माध्य, प्रसरण, मानक, विचलन, बहुलक, अपवर्तन, समझ रहे हैं, ये सब क्या है, तो ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, ये जो लेंस पढ़ते हैं ना आप लोग है ना, लाइट, लाइट चैप्टर पढ़ते हैं साइंस में, वहां पर आता है रिफ्रैक्शन, ये कमरे के अंदर आपका लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए माफी चाहेंगे, थोड़ा पेन हैंग कर रहा है ना, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ देखिए अपार्टमेंट, बैंगलोर, ये दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है, चलिए अपार्टमेंट, बंगला, किला, छोटा मकान, कोठी, कुत्ता घर, झोपड़ी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लैट, दुमजिला घर, सिंपल सा है, बाकी सब में हम लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, इसमें डॉगी रहता है भाई, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, केनल, कुत्ता घर अलग हो जाएगा उसमें से,
अब देखिए, ये आकृतियां दी हुई हैं, इसमें से हमें विषम बताना है कि भिन्न कौन सी है। तो ये आपका चौथा नंबर भिन्न है, पता है क्यों? क्योंकि ये देखिए, इसकी आकृति के अंदर सब क्रॉस कर रहे हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर समानांतर है दूसरे के। ठीक है, चलिए, तो डी विल बी योर राइट आंसर। अब देखिए, यहाँ पर अलग निकालना है, दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प का एक निश्चित वही अलग निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि इसमें 11 के विभाज्य का कोशिश किया गया, कौन 11 से विभाजित है, कौन 11 से विभाजित नहीं है। ठीक, अब देखिए 11 कमी 11 बचा 9, 11 निम्न 99, ये विभाजित हो गया। 11 कमी 11 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 1, यानी यही चला जाएगा। 11 एक कमी 11 नहीं, 11 दूनी 22 करिए, बचा कितना 24 में से 22 गया कितना, 2 बचा 2 27, ये जाएगा नहीं, यानी यही हो जाएगा। 11 दूनी 22 बचा 3, 11 33, यानी ये सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए, 11 से विभाजित का नियम हो गया इसमें। अब ये चीज़ वहाँ सोचना पड़ेगा, ये तो मैं लगा रखा है पहले, मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ पर आप कई सारा ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक पीछे क्यों भागना है इतना। दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि इस विकल्प अलग भाई छाटना है। ठीक है, अब देखिए, एफ जी एच ए बी सी यू वी डब्ल्यू, क्या ये क्रम में है? ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे मतलब ये एक ही ले लिया है ना, जबकि लगातार बाकी में है, तो सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं। अगला देखिए, अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से अलग निकालना है, वही चीज। चंद्रमा जो है ये क्या है? ठीक है, मंगल, ये सब मंगल बुध बृहस्पति ये सब ग्रह है, और ये आपका क्या है? मून, जो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चलिए, अब इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट से खेला है, इसमें से आपको अलग बताना है। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, चलिए, इसमें से आपको अलग बताना है कि कौन सा अलग है। इसमें आप अल्फाबेट देखिए, कौन सा बॉक्स किस बॉक्स, बाकी सब में, बाकी तीन में जितने अल्फाबेट से जो है सब सेम है, एक में अलग है अल्फाबेट। ठीक है, पहचानिए आप, पहचान गए आपने। अब देखिए, क्या इसमें, क्या इसमें, क्या इसमें आपको वी दिख रहा है कहीं? नहीं, तो कहाँ दिखेगा, सिर्फ बी इसमें दिख रहा है, ये संगत हो गया सिंपल। अब इसको देखिए, वहां नहीं आ रहा कि मैट्रिक्स लग रहा है क्या, इसमें कुछ और हो रहा है क्या, कुछ सिंपल है ना। चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्या है कि पहले बात ढूंढने में बहुत समय लगा चला जाएगा अगर ऐसे कोई सोचेगा तो, है ना, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है ये। क्या है कि देखिए, इसमें जो है, इसमें उल्टी उल्टी आकृतियां बनी हुई हैं, जो सेम सेम आकृतियां हैं वो उल्टी उल्टी बनी हुई हैं, बाकी सब में अलग अलग तरीके से बनी हुई है। ठीक है, अलग अलग पैटर्न बनी है, लेकिन इसमें क्या है, फिक्स पैटर्न बना हुआ है अपोजिट अपोजिट का, ये सही हो जाएगा। ये दिखा नहीं होगा ना आपको, दिखा ऊपर कर लेते हैं, अब दिख गया होगा। बाकी सब में एक अलग अलग पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ए वाले में फिक्स पैटर्न है अपोजिट अपोजिट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर, दिए गए विकल्पों में से एक निश्चित तरीके से समान है, बाकी वही चीज़ अलग निकालना है। देखिए वही चीज़, अभी हमने देखा था 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब, ये 18 का स्क्वायर होता है। देखिए मैथमेटिक्स भी आ गई यहाँ पर, मैथमेटिक्स है ना, स्क्वायर और क्यूब तो याद होनी चाहिए, खैर वैसे इतना पता होना चाहिए, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो अपना डी अलग हो जाएगा अपना। ठीक है, इसमें देखिए, यू एस टी अलग निकालना है, वही वही सेम क्वेश्चन है ना, यू एस टी क्यू एम ओ एल एच जी आई ई जी, तो यू एस टी, यू कितने पर है, यू कितने पर होता है, 21 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, क्यू कितने पर, 17 पर, ये 13 पर, ये 15 पर। ठीक है, एल कितने पर, 11 पर, नहीं 12 पर, 12 पर, एल 12 पर, एच 8 पर, जे 10 पर। ठीक है, आई 9 पर, ई 5 पर, जी 7 पर। अब देखिए क्या हो रहा है, 21 माइनस 2 19 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पर माइनस 4 प्लस 2, यहाँ माइनस 4 प्लस 2, मतलब ये वाला पैटर्न गलत लग रहा है, जबकि यहाँ माइनस 4 प्लस 2 हो रहा है, तो यानी ये आपका अलग हो जाएगा, सिंपल, कोडिंग डिकोडिंग लगाना। चलिए, दिए गए विकल्पों में तीन विकल्पों में वही चीज़, अलग चीज अलग पता करना है, बकरा, बिल्ली, गाय, मुर्गी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दो तीन चीज़ें हैं, पहला चीज़ ये बकरा है मेल है, तो ये बाकी सबसे अलग हो गया, बाकी सब फीमेल है। ठीक, देखिए
और बाकी यहाँ पर लॉजिक ये इन लोगों ने ये लगाया है, जो आयोग ने लगाया था, कि बाकी सबके चार चार पैर हैं और इसके दो पैर हैं सिर्फ, ठीक है। चलिए दोनों चीज बन सकती थी, लेकिन आंसर जो आयोग ने माना है वो मुर्गी माना है, दो पैर वाला आधार जो माना है। चलिए दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प एक निश्चित तरीके के समान है, हालांकि अलग निकालना है वही चीज। इसमें भी देखिए, इसमें भी वही चीज थोड़ी है, बाकी सारे बॉक्स में, तीन बॉक्स में लेटर समान है, एक में अलग है। ढूंढिए, वीडियो रोक करके ढूंढ लिया होगा आपने। अब देखिए इसमें 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 कहीं आर नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मिलेगा आपको, आर और पी गायब है इसमें से, मतलब पी को रिप्लेस कर दिया गया है आर से, किसमें, बी में, तो बी अपना संगत हो जाएगा, खत्म का। अगला देखिए भाई साहब, अब देखिए ये भी थोड़ा टेकी क्वेश्चन है, हम लोग इसमें पैटर्न ढूंढ लगते हैं तुरंत, यार ये इसमें ऐसे बने हैं, इसमें ऐसे बने, अरे समय तो गड़बड़ बने, अच्छा कुछ और है, तो त्रिभुज गिन लो भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, नहीं देखिए क्या है, ए वाले ऑप्शन में इस तरह के त्रिभुज, इस तरह के त्रिभुज, हाँ वो बात सही है आपकी कि मैं पहले से लगा चुका हूँ, इसलिए मैं इतना ज्ञान दे पा रहा हूँ, इस तरह से बोल पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ एग्जाम में तो समझ नहीं आता है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, हो जाएगा एग्जाम में भी, हो जाएगा प्रैक्टिस रहेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात, बाकी सबसे भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस तरह के त्रिभुज कितने हैं, इस तरह के त्रिभुज कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गए, ये वाले कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गए भाई। देखिए बी ऑप्शन देखिए, ये वाले और ये वाले, ठीक है, देखिए पहले सीधे वाले जोड़ लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये देखिए आठ कैसे गिन रहा हूँ, ये तो नहीं है ना, सब मिट जाइए, हाँ लास्ट वाला तो उल्टा बना था ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ही है ये वाला, क्या है सात, मतलब देखिए ये अलग हो गया है ना, अभी देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये लास्ट वाला आठ, ये क्या हो गया, आठ हो गया। अब सी ऑप्शन देखिए जरा, अभी पता चल जाएगा, पहले ये फिर ये, ठीक है, सीधा वाला कहाँ है, एक दो नहीं नहीं ये नहीं, तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, तो सात ये हो गया, ठीक है, तो दोनों मतलब इसमें सात सात है, तो मतलब ये आठ है, तो ये गलत होगा, तो नीचे वाला भी गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, ये वाला एक, तो देखिए अगर कन्फ्यूजन ना है तो उसे कलर से गिन दे रहा हूँ मैं, ताकि देखने में कन्फ्यूजन ना हो, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है, सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ हो गए अपने, ठीक, इसमें भी वही है, नीचे वाले देखिए आठ होंगे उल्टे वाले, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक। चलिए था नहीं उसमें से, ऐसे लग था नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा उसका। देखिए अगर देखिए यहाँ पर, यहाँ सवाल देखिए अगला क्या बोल रहा है, कि अलग निकालना है, वेल मगरमच्छ कछुआ मेढक, वेल क्या है, स्तनधारी की, बाकी सब स्तनधारी नहीं है, खत्म काम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे, हालांकि इसका आंसर डी दे रखा है, बाकी जिसको आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, वो डी बता रहा है कि अलग है ना, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, यहाँ देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि उस चित्र का जो बाकी अलग से, एक दो तीन चार पाँच, एक दो भाऊ साहब गड़बड़ है यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम छाटना है आपको, क्या है, 125 पाँच का क्यूब, 512 512 इसका हो जाएगा, चलिए ये क्यूब है किसी का है ना, ये ग्यारह, अच्छा देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, 12 का क्यूब, ठीक है, ये 5 का है, 6 का 216 हो जाता है, 7 का 343 हो जाता है, तो ये 8 का हो जाएगा, है ना, आई होप सो 8 का हो जाएगा, 864 निकाल लेते हैं ना सीधे, 8 6 32 दो लेकिन 3 8 6 48 3, ठीक है 8 का है, ये 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, याद होना चाहिए मुझे वैसे, ये देखिए 1331 होता है ना 11 का क्यूब, जबकि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, अगर ये 31 होता तो ये भी सही जाता, ये सी वाला आपका विषम हो जाएगा, ठीक, बाकी 12 क्यूब ये है ही, हमने देख लिया था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको परेशान नहीं किए होंगे, बस सिंपल ही थे, ऐसे ही क्वेश्चन बाकी भी हैं, है ना, ऐसे ही हम लोग लगा लेंगे फटाफट,
हालांकि कुछ कुछ मिलेंगे ऐसे जो रिपीट हो जाए, क्या पता, उसी लिए हम लोग लगाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक, तो 50-50 वाले करेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा अपना। बाकी फीडबैक दीजिएगा वीडियो में अपना कमेंट बॉक्स में कि कैसे और सुधार किया सकता है, कैसे कवर किया सकता है, और जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।